अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आज हमारी सहरी है जी, दूसरी सहरी, ठीक है। तो आज मैं चिकन बनाने लगी थी, मैं कह चले आप शेयर करती हूँ, ठीक है। तो दूसरी अफ्तारी हमारी, अफ्तारी के लिए तैयारी करूँगी अभी, कह के सहरी में चिकन मैं बना लूँ। फिर कल मैंने खाना भी ऑर्डर कर लिया, मैंने बड़ी ज़्यादा भूख लगी। रात को 1 बजे हमारी बस हो गई, 12-1 बजे ना बस हो गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल ज़्यादा किया, तो मैं कह चले आज सादा चिकन ही बना लेते हैं, कोई भूख लग जाती है तो बने रोटी खा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रोज़ा खोल के ना कुछ खाया पिया जाता, बस प्यास रहती है, तो दिन कहता है बस पानी पीते जाए, शरबत पीते जाए। बाकी नहीं, मैंने चिकन लिया अभी हाफ के जी, और कब मैंने ऑयल लिया उसको मैं फ्राई कर रही, और मैंने इसके लिए मसाले को ना मैंने बॉयल करके ग्राइंड कर लिया। मसाला पता है मैं लहसुन और प्याज को मैंने बॉयल कर लिया, ठीक है। उसके साथ मैंने अदरक उसके अंदर डाल दिया और उसको ग्राइंड कर दिया। पीस ना फिर मैं रखी है, मैं आपके सामने ऐड करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी जो मैं पीस के निकाली। अभी ये चिकन हम लोग फ्राई कर रहे हैं, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है। ये देखिए आपके सामने मैं डाल रही हूँ, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखिए इसको अब भूनूंगी मैं तकरीबन 10 मिनट, जब इसका कलर नहीं आ जाता, ठीक है। मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखते हैं हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया मसाला, मैं इसमें नमक ऐड करने लगी, ठीक है। नमक ऐड कर लिया, अब इसमें मैं दही का रायता ऐड कर लूँगी, क्योंकि कल हम समोसे में गए थे उसका रायता बच गया था। मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती, ठीक है। हम इसको यूज़ कर यूज़ कर लेना चाहिए, हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज में रख रख के उसको ज़ाया कर दो, बाद में फेंक दो, ये ला करें इसका, इसको ज़ाया ना करें। वो सब गुनाह का इसको यूज़ में लेके आया करें। ये देखिए मैंने दही ऐड करी थी, मैं बस रहता पड़ा था, मैंने रहता ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाले में मैंने गर्म मसाला लिया है, और ठीक है, और मैंने कुछ धनिया लिया है, और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, ठीक है। ये मैं ऐड करने लगी हूँ। लाल मिर्च आधा चम्मच से कम है, हल्दी भी आधा चम्मच से कम है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपको पता ही है कि मैं मिर्च मसाला बहुत कम खाती हूँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही कि मैं मिर्च मसाला कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। लास्ट में हम काली मिर्च इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह इसको भून लूँ, फिर आपसे मिलते हैं भूनने के। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है, पर मैंने कढ़ाई नहीं बनानी, मैंने दस मिनट तक छोटा बनाना। मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी चिकन, हमारा चिकन तैयार हो रहा है, ठीक है। धुआँ बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से भी वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट और भूनूंगी, बस पानी डाल के, ठीक है। फिर मैं आपके सामने पानी ऐड करूँगी, जितना मुझे पानी इसमें शोरबा चाहिए, ठीक है। मिलते हैं पानी बहुत ही देखें, माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया मसाला, कितने तो बड़ा तैयार। अब इसमें पानी ऐड करेंगे जी, हमारे एक गिलास और ऐड करूँ, इतना ही मुझे चाहिए था शोरबा, ठीक है। तो अभी इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 मिनट इसको हम हल्की आँच में, पहले एक उबाला आ जाए तो ठीक है, फुल आँच की हुई है। फिर एक उबाला आने के बाद मैं हल्की आँच पर 20 से 25 मिनट इसको पकाऊँगी, ठीक है। फिर आपसे 25 मिनट बाद, ठीक है। ये देने आपके सामने कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, अब इसे कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह 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 कितना ज़बरदस्त कलर आ गया हमारे खाने का, ठीक है। जो मैंने ये शोरबा गोश्त बनाया, ठीक है। तो मिलते हैं 25 मिनट बाद, ठीक है। बस ये देखिए 25 मिनट हो गए हैं, ये हम खाना मैंने लगा दिया टेबल पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा शोरबा, चिकन शोरबा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मेरे सामने बैठे हैं, आप टेस्ट करके दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, करें टेस्ट, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये देखिए कशे बैठी फातिमा बैठी, पहले टेस्ट कर ले, मैंने वीडियो को ख़त्म करना है। बहुत लगी हुई है और लग भी मज़ेदार रहा है, नींद एक अच्छा होगा अच्छा। अच्छा बना की बात है, हल्का फुल्का बनाया जी रमज़ान में, आप भी ऐसे बनाया करें रमज़ान में, हल्का फुल्का खाने को दिल भी करता है, ज़्यादा मिर्च मसाला खाने को दिल नहीं करता, इसलिए मैंने हल्का फुल्का बनाया। और देखो कैसे बैठी हैं, जैसे बड़ी भूख लगी होती, जैसे रख के बैठी हुई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं, क्या एक्शन मार रहे हो? अभी आप लोगों को भी देती हूँ, इनको भी डाल दें। चलें जी,
कभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।